दमोह जिले के जवेरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी की विकास यात्रा को एक सप्ताह में दूसरी बार काले झंडे दिखाए जाने का घटनाक्रम मामला सामने आया है। इस बार डूमर ग्राम पंचायत में भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने विधायक की विकास यात्रा को काले झंडे दिखाए, जिसके जवाब में विधायक द्वारा काले झंडे दिखाने वाले शिकायतकर्ता कार्यकर्ता सतन सिंह लोधी को नोएडा थाने में बंद करा दिए जाने का घटनाक्रम सामने आया है। करीब 2-3 घंटे तक नोएडा थाने में सतन सिंह लोधी, जिसके की द्वारा डूमर पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायतें की गई थी, घटिया निर्माण कार्यों का विरोध किया गया था और विधायक को काले झंडे दिखाने में प्रमुख था, उसे नोएडा थाने में बंद रखा गया। छूटने के बाद में वह कार्यकर्ता संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां उसके द्वारा शिकायती आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। जी बताएं, आज आप लोग किस लिए आए यहां? जी मैं एसपी ऑफिस इसलिए ज्ञापन देने आया हूं, ज्ञापन देने आया हूं क्योंकि विकास यात्रा चल रही थी हमारे डूमर में। 19 तारीख को विकास यात्रा की डेट रखी गई थी, मगर उन्होंने 18 तारीख को ही विकास यात्रा निकाल दी और विकास नहीं हुआ हमारी ग्राम पंचायत में, विनाश के कार्य हुए हैं। इसलिए जनता ने वहाँ की संकेत दिए थे काले झंडे दिखाकर, मगर विधायक जी ने पुलिस को आदेश किया कि जिसने काले झंडे दिखाए थे उसको अरेस्ट करें, मगर पुलिस वालों ने निर्दोष लोगों को अरेस्ट करके उनको लॉकअप के अंदर 2-3 घंटे बंद किया। उसके बाद में हम पुलिस विधायक जी को आवेदन देने गए तो विधायक जी ने हमको भी अरेस्ट करवा के बंद करवा दिया और बाद में पुलिस वालों से बोला कि आप विधायक जी से माफ़ी मांगो तो हम छोड़ेंगे। फिर हम लोगों से पुलिस वालों ने पूछा तो हम लोगों ने मना कर दिया कि माफ़ी हम नहीं मांगेंगे, हमारी कोई गलती नहीं है और आपको जो कार्रवाई करना है कर दीजिए। इसका हम लोग एसपी महोदय को ज्ञापन देने यहाँ पे आए।